एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रेल इंडिया में। और आज जो हमारा आरएनए का टॉपिक है वो भागलपुर रेल खंड की जो ट्रेनें बंद हो चुकी हैं, आज हम आपको उनके बारे में बताने वाले हैं। जो भागलपुर जमालपुर किउल रेल खंड की कुछ ऐसी ट्रेनें हैं जिसे अब रेलवे ने हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया है। अब ये ट्रेनें आपको कभी वापस पटरी पर दौड़ती नहीं दिखेंगी। लेकिन क्या रेलवे का इन ट्रेनों का बंद करना रेलवे के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा या ये यात्रियों के लिए ज़्यादा नुकसानदेह होगा? क्योंकि ये जितनी भी ट्रेनें हैं उसे रेलवे ने इस तर्क दे के बंद किया है कि इन ट्रेनों से रेलवे को काफ़ी ज़्यादा नुकसान और घाटा हो रहा था। तो एक एक करके हम उन सभी ट्रेनों के बारे में बताएंगे जो भागलपुर रेलखंड की बेस ट्रेनें हैं, जो यहाँ से गुजरा करती थी या चला करती थी, लेकिन अब रेलवे ने इसे बंद कर दिया है। क्योंकि यहाँ पर जो रेलवे का कहना है कि इस ट्रेनों में जो यात्रियों की संख्या है उससे रेलवे की कमाई बहुत कम है और इससे रेलवे को फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो रेलवे ने इसको लेकर नोटिफिकेशन पिछले साल ही जारी कर दिया था जिसमें बहुत सारी ट्रेनों को बंद करने का आदेश था। ये पूर्व रेलवे का नोटिफिकेशन था जिसमें आप देख सकते हैं कि ये 19 मई 2020 का नोटिफिकेशन है जिसका सब्जेक्ट है परमानेंट कैंसिलेशन ऑफ मेल एक्सप्रेस एंड पैसेंजर ट्रेन ओवर ईस्टर्न रेलवे। ये इस नोटिफिकेशन का सब्जेक्ट था जिसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं 131191 3133 सियालदा आनंद विहार और सियालदा वाराणसी अप एंड डाउन दोनों ही ट्रेनों को रेलवे ने बंद करने का नोटिफिकेशन दे दिया था, जिसके पीछे रीज़न और रेलवे का तर्क कहना था कि ये ट्रेनें जब ठंड के मौसम में फॉगी रीजंस जो फॉगी सीज़न होता है उसमें, यानी जो कुहासा और धुंध के कारण ये ट्रेनें लगभग 3 से 4 महीने बंद रहती हैं और इसमें जो पैसेंजर की संख्या वो काफ़ी कम है। अब क्यों ना हो, क्योंकि इसका जो स्टॉपेज इन दोनों ट्रेन का था वो काफ़ी ज़्यादा था जिसे पैसेंजर पसंद नहीं करते। अब इसके बाद हम बात करें तो जो पैसेंजर ट्रेन भागलपुर रेलखंड की बंद हुई है वो है राजगीर हावड़ा राजगीर पैसेंजर। आप देख सकते हैं 530435 3044 ये वो ट्रेन है जिसे रेलवे ने बंद कर दिया है। भागलपुर किउल जमालपुर सेक्शन की ये पैसेंजर ट्रेन थी जो राजगीर से हावड़ा के बीच चला करती थी और ये फास्ट पैसेंजर थी। लेकिन क्योंकि इन सभी तमाम ट्रेनें जो थी उनमें रेलवे का यही कहना है कि इनसे रेलवे की जो आय हो रही थी वो काफ़ी कम हो रही थी और ये नुकसान ज़्यादा दे रही थी, इस वजह से इन सभी ट्रेनों को बंद किया जा रहा है। ना सिर्फ भागलपुर के रेलखंड की ट्रेनें, जबकि पूर्व रेलवे ने अपनी कई सारी ट्रेनें बंद की है इसको लेकर, जिसमें तूफान एक्सप्रेस भी एक बड़ी ट्रेन है जो श्रीगंगानगर से हावड़ा के बीच चला करती थी, लेकिन अब ये सारी ट्रेनें बंद हो गई हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि जयनगर हावड़ा पैसेंजर जो अभी तक नहीं चलाई गई, क्या वो भी बंद हो गई? तो आपको बता दें इसी समय पर जयनगर भागलपुर इंटरसिटी को शुरू किया गया है पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा, तो हो सकता है कि जयनगर हावड़ा पैसेंजर भी अब ना चले। लेकिन नोटिफिकेशन में जयनगर हावड़ा पैसेंजर का जिक्र नहीं है, तो इसकी संभावना अभी कम है कि जयनगर हावड़ा पैसेंजर जो है उसे रेलवे बंद कर देगा। लेकिन क्योंकि इसका नोटिफिकेशन में जिक्र कहीं नहीं दिया गया था, लेकिन हावड़ा राजगीर पैसेंजर सियालदा से आनंद विहार के बीच चलने वाली बाई वीकली एक्सप्रेस और सियालदा वाराणसी एक्सप्रेस, ये तमाम ट्रेनें अब भागलपुर रेलखंड पर नहीं दिखेंगी। तो आपकी क्या राय है इस पर आप हमें कमेंट में बताइए। उसके साथ साथ बांका और गोड्डा से भागलपुर तक की जो ट्रेन का इंतज़ार है वो यात्री कर रहे हैं, ये वीडियो आपका इंतज़ार कर रही है। आप इसको लिंक में जाके देख सकते, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है देख सकते हैं, और ये कमेंट सेक्शन स्पेशल और टॉप 5 सुपरफास्ट ट्रेनें कौन सी हैं बिहार की ये भी देख सकते हो। तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।